सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे गार्बेज वैल्यू के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों, हमारा गार्बेज वैल्यू के बारे में जान लेना अब मुनासिब होगा क्योंकि आगे जाकर हम कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें गार्बेज वैल्यू का जिक्र हमको करना पड़ेगा, उसे हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ बोर्ड पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप बोर्ड पर अपनी निगाहों को दौड़ाएं और इस डेफिनेशन को एक सरसरी निगाह से देखें। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गार्बेज वैल्यू, तो ये क्या होती है? बाय डिफॉल्ट देयर इज एन अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू इज प्रेजेंट इन वेरिएबल्स ऑफ सम स्टोरेज क्लासेस। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में अपने आप, पहले से ही, खुद से ही अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको कह देते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अपने आप ही देर इज़ एन अनप्रडिक्टेबल वैल्यू। अनप्रडिक्टेबल का मतलब होता है दोस्तों जिसका हम कयास नहीं लगा सकते, जिसके बारे में हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते, पहले से हम बता नहीं सकते कि क्या होगा, तो उसको दोस्तों कह देते हैं अनप्रडिक्टेबल, जिसके बारे में हम कोई कयास नहीं लगा सकते, हमारे इख्तियार में वो चीज़ नहीं होती, हमारे बस में वो चीज़ नहीं होती, तो उसको कहते हैं दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू इज प्रेजेंट इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर ऐसी अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट होती है, इसी को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हमने लिखी हुई है, वेरिएबल्स ऑफ सम स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होता है? अभी आप इस लफ्ज़ से परिचित नहीं हैं, आने वाले समय में हम स्टोरेज क्लासेस को बड़ी ही गहराई से और बड़ी ही शिद्दत से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा अभी हम गार्बेज वैल्यू को समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। आगे जाकर जब हम लोग स्टोरेज क्लासेस को पूरा पढ़ेंगे, चार तरह की यहाँ स्टोरेज क्लासेस होती हैं सी के अंदर, तो जब हम उन चारों तरह की स्टोरेज क्लासेस को खंगाल लेंगे तब जाकर गार्बेज वैल्यू और ज़्यादा अच्छे से आपके जहन में क्लियर हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल पर अभी हम नज़र डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, वर्ड मेन से हमने इसको स्टार्ट किया है, ऊपर हेडर फाइल्स तो है ही। इंट एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दोस्तों हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, तो सीधी सी बात है मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लेगा ये एक्स, तो मेमोरी में जन्म हुआ इस एक्स का और 2 बाइट की मेमोरी इसने ऑक्यूपाई कर ली, और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर बाइट का एक एड्रेस होता है, हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, तो यहाँ पर एक्स का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हम मान लेते हैं वो एड्रेस है 1000। अब जरा देखिएगा दोस्तों, क्या हमने यहाँ एक्स को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज किया? क्या नहीं किया हमने एक्स को यहाँ पर? कोई वैल्यू असाइन की क्या? जी नहीं, नहीं की हमने, तो सिर्फ इस एक्स को डिक्लेयर ही किया है, इसको हमने कोई वैल्यू तो दी ही नहीं। तो क्या इसके अंदर कोई वैल्यू होगी? क्या इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी होगी जो पड़ी होगी? जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या हमको कोई नज़ारा देखने को मिलेगा? कोई वैल्यू हमको देखने को मिलेगी? तो आइए दोस्तों इस पर नज़र डालते हैं, CLR SER स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब यहाँ इस प्रिंटेफ को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस परसेंटेज डी की जगह सीधी सी बात है इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना होगा, पर अभी हमने इस एक्स में कोई वैल्यू तो असाइन ही नहीं की, कोई वैल्यू तो डाली ही नहीं, तो क्या कुछ प्रिंट होगा? जी हाँ, प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? तो दोस्तों प्रिंट होगा एक गार्बेज वैल्यू, कुछ भी हो सकती है ये गार्बेज वैल्यू। हो सकता है ये हो 2556, हो सकता है ये हो -3274, हो सकता है ये हो 0, हमको कुछ नहीं पता दोस्तों क्या प्रिंट होगा, इसीलिए इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है दोस्तों कचरा, हमको नहीं पता कचरे में क्या पड़ा होता है, उसी तरह से गार्बेज वैल्यू भी एक तरह से दोस्तों एक कचरा वैल्यू है, हमको नहीं पता क्या प्रिंट होगा, हमको नहीं पता कि पहले उन बिट्स में क्या कॉम्बिनेशन होगा, उस मेमोरी में क्या वैल्यूज पड़ी होगी पहले से ही। तो
तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, यानी कि इस प्रिंट एफ से कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी गार्बेज वैल्यू, यानी कि इस एक्स में कुछ पड़ा होगा और वो वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज का मतलब होता है दोस्तों कचरा। तो अभी हमने थोड़ा सा दोस्तों गार्बेज वैल्यू को अभी जाना है, आने वाले वक्त में ज़रूरत के साथ साथ हम और ज़्यादा गार्बेज वैल्यू को समझ पाएंगे। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं और इसके ज़रिए भी हम गार्बेज वैल्यू को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल है एक्स एक है वाई। एक्स को तो हमने डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन साथ साथ किया है, यहाँ तो दोस्तों चट मंगनी पट ब्याह हुआ है, और वाई जो वेरिएबल है इसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में, इन दोनों का जब जन्म होगा तो दो दो बाइट्स के ये दोनों वेरिएबल बन जाएंगे, कुछ ना कुछ मान लो इनके एड्रेस हैं। एक्स की वैल्यू है मान लो नहीं, एक्स की वैल्यू को तो हमने इनिशियलाइज करवा ही दिया, तो यहाँ मानने की तो कोई बात ही नहीं, टू। और जो वाई है इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो क्या ये सूना सूना रहेगा, क्या इसकी कोख सूनी रहेगी दोस्तों? नहीं, इस वेरिएबल के पास भी एक वैल्यू रहेगी जिसको हम कहते हैं गार्बेज। गार्बेज जैसा कि दोस्तों यहां पर हमने लिखा भी था, स्टोरेज क्लासेस एक वर्ड आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, नया लगा होगा, तो थोड़ा सा हम इन दोनों वेरिएबल्स की स्टोरेज क्लासेस का भी इस एग्जांपल में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक्स और वाई ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ना दोस्तों, ये दोनों वेरिएबल्स हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अलग अलग वेरिएबल्स की यहाँ पर अलग अलग क्लासेस होती हैं, आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप की क्लासेस होंगी और उनके फिर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होंगे। एक तरह से जो स्टोरेज क्लासेस होती है दोस्तों, ये कह लीजिए कि वेरिएबल्स की अलग अलग बिरादरी होती है। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स हैं, इनकी स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अभी हम बस इसके नाम को ही जान पाएंगे, इसी से हमको सेटिस्फाई रहना होगा। आगे जाकर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल होने पर किसी वेरिएबल के अंदर क्या क्या गुण आ जाते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इस चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे, पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर एक्स में टू है, वाई में है गार्बेज कचरा, इसको हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते यहाँ पर क्या रखा हुआ है। अब आइए दोस्तों इसके आउटपुट पर थोड़ी सी निगाहें जमाते हैं। इस प्रिंट एफ के जरिए एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ इस परसेंट डी की जगह इस एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी प्रिंट होगी? तो यहाँ तो जवाब देना बेहद आसान है, एक्स की वैल्यू को हमने टू से इनिशियलाइज करवा दिया तो टू यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ से हो गया प्रिंट टू, आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ से टू प्रिंट होगा। इस प्रिंट एफ से हम प्रिंट कर रहे हैं वाई की वैल्यू, क्या वाई को हमने किसी वैल्यू से इनिशियलाइज किया क्या दोस्तों? नहीं किया। तो क्या ये सूना सूना है, क्या ये खाली है? नहीं, इसमें पड़ा हुआ है गार्बेज वैल्यू, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या होती है वो गार्बेज वैल्यू हमको तो नहीं पता, कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे कोई भी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि 2203। अभी 2203 एक गार्बेज वैल्यू हमने माना है एग्जाम्पल के तौर पर, यह कि भाई 2203 प्रिंट हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2203 प्रिंट हो, कुछ भी प्रिंट हो सकता है हमका नहीं पता, तो यहाँ से प्रिंट होगा गार्बेज वैल्यू। इस प्रिंट एफ पर आते हैं दोस्तों, अब यहाँ हम वाई में 20 ऐड कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम इस 2203 की जगह अभी लिख देते हैं गार्बेज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इस प्रिंट एफ पर हम आते हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है वाई प्लस 20। अब ये 20 को तो हम जानते हैं, इसकी शक्ल तुमको नजर आ रही कि भाई ये 20 है, पर वाई इसमें क्या पड़ा हुआ है? गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। अब इस गार्बेज में अगर 20 ऐड होगा तो हम बता सकते हैं कि क्या क्या ऐड होगा? हमको यही नहीं पता कि वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई में 20 ऐड होने पर क्या आएगा ये हम कैसे बता सकते हैं? ऐसी हमारे पास कोई शक्तियाँ यहाँ पर नहीं है, ऐसे हम अंतर्यामी नहीं है, तो यहाँ से भी दोस्तों हमको जवाब देना होगा गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। कचरे में आप सोने की अंगूठी फेंक दो दोस्तों,
कचरे में मिलने के बाद वो भी कचरा ही है। तो यहाँ वाई में पहले ही कचरा था, गार्बेज वैल्यू ही थी, इसमें आपने 28 किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जवाब तो होगा गार्बेज, कुछ ना कुछ गार्बेज ही प्रिंट होगा, तो यहाँ से प्रिंट होगा गार्बेज वैल्यू। तो ये एक और एग्जांपल लिया दोस्तों हमने, जिसके जरिए हमने थोड़ा सा गार्बेज वैल्यू को समझने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं विराम देते हैं, छोटा सा है ये लेक्चर और मुझे यकीन है कि इससे आपको थोड़ा गार्बेज वैल्यू को समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिली होगी। अभी मैं आप सभी से चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।